प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण की बात की। आजादी के इन अमृत काल के दौरान, आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना के दौरान, हर भारतवासी को इन पंच प्रणों को ध्यान में रखना होगा। एक, विकसित भारत का निर्माण, हर भारत का, हर भारतवासी का लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण। इसके लिए गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, विरासत के रूप में हम अपने पूर्वजों की ख्याति को, ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा को सम्मान देंगे, लेकिन गुलामी का अंश जहां कहीं भी होगा उससे सर्वथा मुक्ति के उपाय भी करेंगे, विरासत का सम्मान करेंगे। आप देख रहे होंगे विरासत का ही सम्मान है, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो चुका है, हमारा ब्रज क्षेत्र भी सज और संवर रहा है। मां विंध्यवासिनी के धाम में आप जाएंगे तो वह भी सज और संवर रहा है। ये पंच प्रण हर भारत के जीवन में जब आएंगे तो भाइयों बहनों, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से अब कोई भी रोक नहीं सकता है, अब यह तय हो चुका है।